मैं वहाँ पे अपनी स्टोरीज पे वो लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, ऑन प्रेजेंट लोकेशन रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी अपनी बता देगी, जितने लोग हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी के, बाकी अपने पहाड़ी भाई बहन जो भी हैं, तो वहाँ पे आके हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल सभी के। आई होप वीकेंड आप मौज में काट रहे होंगे। 3 दिन का लंबा वीकेंड हो गया है, सभी लोग ट्रेडर हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ट्रेडर हैं। शेयर बाजार बंद है 3 दिन, है ना, शिवरात्रि उसके बाद वीकेंड, तो अपने पास भी कोई काम धाम नहीं भाई। मैं बोर हो रहा हूँ घर पे, क्या करूँ, और कुछ वीडियोज वगैरह भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसकी वजह से कहीं जा भी नहीं पाया मैं। चलो ठीक है, आज भी कुछ रिकॉर्ड वगैरह मैंने करना है। वैसे तो 12 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, तो अभी यहाँ पर गाड़ी की फसला साफ सफाई धुलाई उलाई चल रही थी, घर पे हमने इसको चमका दिया। क्या हुआ, क्या है ये दाने दाने पीपीएफ का, पीपीएफ के ऊपर होगा, देखते हैं कुछ अगर होगा तो। वारंटी गारंटी पे है ये सब, जो होगा हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो आज अभी अपन ने बढ़िया गाड़ी वाड़ी इसने धो की, मैंने तो क्या ही धोई, मैं तो अंदर था, मैं फोन पर लगाऊं, और ये चमाचम इसने कर दिया गाड़ी धो के, चमकदार है। एक दूसरी अपनी धंधो है, ये भी देखो चमक ही रही है, हमेशा चमकती रहती है। वो चली नहीं है, ये 25,000 किलोमीटर चल रही है, वो इससे पहले ली थी, अच्छा ये कैसे तो 8-9 महीना पहले ली थी, वो 6-7,000 किलोमीटर में नहीं चली, तो एकदम चमाचम। ये करने के बाद इसका जो इसके हमने ये बड़ा सही लगता ना गाड़ी में, जो मैं ये थे पहले प्लास्टिक के थे, फिर मैंने पेंट करा के कोट करवा दिए सारा, तो सारा आइटम अब पूरा ब्लैक दिखता है। देखो ये भी ब्लैक दिखता है, ये वरना डल हो गया था सारा, जितना प्लास्टिक आइटम था सब डल हो गया था। अभी इतना मैंने एक ग्लॉस करवा दिया था, इसका थोड़ा सा लुक इनहेंस हो गया, इनहेंस देख रहे हो। तो आज है, आज क्या कौन सा डिनर है, आज सैटरडे है। अच्छा सैटरडे है, कल संडे है ना, कल है, और कल भी बंद है यार बाजार, बहुत दिक्कत है यार, बोर हो जाता है। जो रोज ट्रेड करने वाला बंदा होता है ना, वो बोर हो जाता है भाई, बहुत बोर, मतलब ठीक है अपनी अपना काम धंधा बिजनेस अपनी जगह पर, मीन्स अपने ये यूट्यूब हो गया और जो अपना कोर्सेस हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड करना यार वो अपनी जगह पर, वो तो अपना वो है अंदर का कीड़ा रहेगा, तो कीड़ा मानता नहीं है, बट हाँ एक आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो इस कीड़े को हमेशा शांत, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस कीड़े को शांत रखना आना चाहिए आपको। बाकी अगर वीकेंड में लोग क्या करते हैं, वीकेंड में लोग उस पर बैठे रहते हैं फ़ोन पर, हैं मेरे को इतना ज़्यादा रील्स का कीड़ा हो गया है, इतने टाइम से मैं अंदर बिस्तर पर जाता हूँ सोने से पहले, एक बार मैं रील देखना शुरू करता हूँ, एक बार समझ लो, ऐसे मैंने रील देखना शुरू किया यहाँ से, फिर वो रील कब स्क्रॉल होती है ऊपर, जाते 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 भाई साहब, मतलब अगर मैं 10 बजे से रील देखना शुरू करूँ, मैं सोचा 10 बजे भाई गिलास है यहाँ पर पड़ा हुआ, मैं सोचता है बेटा ये भैंस भयंकर अनुजॉय किसने रखा होगा, दे ले जा अंदर, तभी मैं कहूँ मेरे गिलास कम हो गए। तो मैं क्या बता, मैं था रील के कीड़े पे, तो भाई रील का कीड़े का इतना ज़्यादा है ना, मतलब एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था किनका, मैंने शायद भुवन बाम का पढ़ा था, किनका स्टेटमेंट था कि आप उनसे किसने पूछा था कि आप ट्विटर पर क्यों नहीं हो, तो उनने मेरे को कह रहा हूँ, उसने किसी को बोला था कि अगर आपको अपनी मेंटल पीस, अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी करवानी हो और अपनी करियर की ऐसी तैसी करवानी हो, तो आप ट्विटर पर जाओ या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मतलब इंगेज हो, ठीक है। वो मैंने देखा, फिर मैं जैसे रील देखने लग जाता हूँ तो रील में इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, और सारा मतलब वो इसने इसको ऐसे कैसे कह दिया, तुम वो नहीं हो, नहीं मैं मतलब मैं हमारा सेगमेंट ही सब बनता नहीं है बोलने का, बट एक होता है ना दिमाग में वो कंज्यूम होता है ना, हमारा दिमाग वहीं चलने लग जाता है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम नहीं होती है रात रात को, मतलब रात भी क्या, कभी भी आप देखो तो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग होता है मोस्ट प्रोबेबली आपको वही दिखता है, जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती है ना, और ट्रेंडिंग में अभी के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में क्या चलता है, लड़ाई झगड़े ये वो फसाद, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव ही चलेगा, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और खासकर क्रिएटर लोग जितने होते हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं क्रिएटर हैं, इनको तो इस चीज़ से बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है ना, जो क्रिएटर नहीं है, जो व्यूअर है सब्सक्राइबर है या देखता है, उसको वो है, सोचता क्या है क्रिएटर हैं तो ये भाई बहुत कुछ करते हैं, बहुत पैसे, इनकी बढ़िया लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत स्ट्रेस है हर एक जॉब में, आप किसी भी कोई भी काम कर लो है ना, जितना नॉर्मल काम होगा उतना कम मेंटल स्ट्रेस होगा, उतना फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ की याद होगी, जितना ऊपर काम वो बढ़ता जाएगा उतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेस कम हो जाता है, फिजिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हर किसी ना किसी काम के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और बाकी जितने लोग हैं भाई लड़के यूथ यंग जो लोग देखते हैं, जो लोग कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहते हो, अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करना चाहते हो, सोशल मीडिया से दूर रहो यार, से बता रहा हूँ, वो बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, खासकर आप ट्रेडर कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर आप अपना अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, तो सोशल मीडिया पर रील्स हो गया और
और भी सारी जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं उन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दो, वरना आपके दिमाग का पता है आपको क्या हो जाएगा। दोस्तों अभी आज भी अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा भाई, ये ब्लॉग करना और उस रिकॉर्डिंग चैनल के लिए मतलब स्टॉक बंडर चैनल के लिए अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना उसके साथ मतलब बहुत कुछ होता है भाई। तो उसके लिए अब जैसे ब्लॉग अगर हम कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग ब्लॉगर्स के लिए होता है कि भैया घूमो फिरो ब्लॉग करो इधर उधर जाओ, लेकिन अपना हम पहले ट्रेडर हैं, अपना प्रोफेशन अलग है, उसके बाद हम यहाँ पर ब्लॉगर हैं। तो पहले ये काम, फिर उसके बाद अभी देखता हूँ मेरे को कि टाइम मिलेगा तो पहले मेरा यही काम हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा फिर मैं जाऊँगा बाहर। दोस्तों अपना रिकॉर्ड वगैरह सब हो चुका है, काम फाइनली हुआ, डन फॉर द डन, सिस्टम कर दिया ऑफ, इनका वर्क ऑन प्रोग्रेस। मैं निकलता हूँ, चाबी कहाँ रख दी मैं, जेब में थी क्या, चाबी हो गया। मैं निकलता हूँ गड्डी से, गड्डी ऐसे यार धोधा रखी है, चाबी धरी रखी है, ठीक हो गया। तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ मस्जिद का, है ना, मस्जिद का बोले तो कॉफ़ी पीने का मन कर दिया या चाय पीने का मन कर दिया। लोकल मैं चाय नहीं पीऊँगा, यहाँ से हम चाय पीने के लिए जाएंगे एक घंटा दूर, लेट्स गो। गाइज अभी मैं चला रहा हूँ प्रशांत भाई के पास अपनी बैडमिंटन अकेडमी। प्रशांत भाई आपको अगर पता होगा तो, ऐसे तो सभी जानते होंगे क्योंकि व्लॉग्स तो आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हो मेरे। तो चलते हैं उधर, ये बोरिंग दिन बड़े बेकार होते हैं यार बाय गॉड, वीकेंड्स ना, वीकेंड में वो जो जो बंदा स्टॉक मार्केट में भाई बहुत मतलब घुस गया ना एक बार, मतलब पागलपन की हद पार करके भी, उसके बाद उस डरावने मंजर से, लॉस वाले दर्दनाक मंजर से निकलने के बाद फिर आप वो कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता ना ट्रेडर, और उसकी एज ये मान लो 22-23 साल है, मतलब यंग एज है, गर्म खून है। तो भाई ये मान लो यार वो इन्वेस्टिंग के लफड़ों में ज़्यादा नहीं फंसता, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत अच्छी खासी है मतलब रखी हुई है, बट ट्रेडिंग का एक वो होता है यार, वो 3 दिन की छुट्टी में पागल, मतलब अभी तक मैं कहीं घूम रहा होता, आपको जैसे सभी लोग को पता ही है मैं वीकेंड्स में निकल जाता हूँ, लेकिन इस वीकेंड मेरे पास कई सारे काम है, मैं सोचा था इस वीकेंड को कई सारे काम निपटा के ट्रैवल एंड ट्रेड करूँ तो, लेकिन अब फिर वीकेंड के काम के साथ साथ अब दिन भर तो बंदा वीडियो रिकॉर्ड या काम कुम करने पर लगा नहीं रहेगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो मेरी वीडियोस को जो मैं स्टॉक बंडर पर डाल रहा हूँ, लर्निंग एजुकेशन पर्पस, इतनी वीडियोस मेरी वहाँ पर आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो मेरे को और भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं उस तरीके के जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैं सीखता हूँ साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, उतने में वहाँ पर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जितने भी मेरे भाई बंधु लोग देखते हैं ट्रेडिंग के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ताकि वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन उनको मिले, वो गलती ना करें मार्केट में। तो अभी मैं चलता हूँ प्रशांत भाई के पास, ठीक है, तो उनको भी उठाते हुए एकेडमी में कोचिंग दे रहे होंगे, उनको उठा के चलते हैं, अकेले जाने में मज़ा नहीं है, अकेले तो मैं जाता ही हूँ लेकिन मेरा आज अकेले का मन नहीं हो रहा, बहुत अकेला जैसा भी ऐसे भी हो गई हूँ। दोस्तों गाड़ी खड़ी है मैंने खड़ी, आप चलते हैं एकेडमी, ये रही एकेडमी, देखो आवाज़ आ रही होगी बच्चों के अंदर से, ये रहे हमारे कोच, ये कोच, ये हमारे कोच, वन एंड ओनली पीस इन द इन हल्द्वानी, गलत टाइम बॉल बनाया भी यही तो चाहिए, यही तो देखना है कितनी मेहनत करता है कोच अपने स्टूडेंट पे। दोस्तों अभी ये प्रशांत भाई को हम एकेडमी से उठा के इनकी क्या बोलते हैं कोचिंग को कट करवा के, मिस करवा के, इनको चुपचाप एकेडमी से उठा के मैं इनको लेके जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, नैनीताल नैनीताल शौक हो तो नवाबी चाय पीने के लिए नैनीताल, अरे यार बहुत खतरनाक, लेकिन नैनीताल नहीं जाएंगे, उससे पहले कहीं खेलेंगे, चलो ठीक है पहाड़ों साइड जाएंगे, लेकिन रात हो जाएगी ना, मतलब बहुत लेट हो जाएगा, लेट तो क्या ही होगा, तुम अगर रेडी रहते तो मैं तुम्हें ले आता, लेकिन इनने 1 घंटा लगाया है आप समझ लो, मैं जब निकला हूँ मेरे बाद 1 घंटा इनको वहाँ से एकेडमी से छूटने पर लगा, मैंने 5 बजे का ही टाइम बोला था, हाँ तो इनने 5 बजे का बोला था, मैं 4 बजे निकला था ना, तो 1 घंटा की बात होगी हो, तो अब 5:05 हो गए, मतलब 13 मिनट हो गए, तो 6 बजे ऑलमोस्ट 6:30 अंधेरा होने लगता है, तो अब मैं वहाँ तो हम चले भी जाएंगे आ भी जाएंगे, लेकिन आपको वो दिन वाला फील ना अंधेरा अंधेरा जैसा हो जाएगा वीडियो, लेकिन अच्छी लोकेशन में जाएंगे, अच्छी लोकेशन में जाएंगे तो क्या बोलते हैं देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन चाय तो पीनी है चाय या कॉफी, जो मतलब कॉफी पीनी है यार, बहुत काम चल रहा है, बहुत स्ट्रेस चल रहा है, रात को क्या बोलते सोना नहीं है इसलिए कॉफी पीऊंगा। दोस्तों अभी अब फाइनली पहाड़ों की तरफ चलते हुए यहाँ से आ रही है थार, ये क्या फ्रंट व्हील ड्राइव, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक था लेकिन अभी ट्रैफिक हो चुका है कम, क्योंकि वैसे वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड में थोड़ा इधर ट्रैफिक होता है, बट फिलहाल के लिए नहीं है, तो पहाड़ों की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हुए, हमको जाना है वो वहाँ जब तुम्हें जहाँ उंगली दिख रही है समझ जाओ वो वहाँ।
फाइनली गाइस हम एक कैफे पहुंचे, इसका नाम द मड हाउस कैफे। मिट्टी का घर है लग रहा है, ठीक है। मिट्टी के घर में हम पियेंगे चाय। यहाँ से नैनीताल थोड़ा दूर है, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है, तो आधे रास्ते पे हम रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ से अंधेरा हो जाएगा हमें। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं लोकेशन पे। पीछे गाने चल रहे होंगे तो भाई कॉपीराइट भी आ सकता है, लेकिन आप लोकेशन देखो यहाँ से क्या जबरदस्त व्यू है। वेल गाइस ये इतना बड़ा कैफे है कि बाहर से तो पता ही नहीं चला इतना बड़ा है। इसमें नीचे भी है, देखो नीचे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। हाँ इधर बैठने सीटिंग एरिया, नीचे किचन है, उधर भी है बैठने का, इधर भी बैठने का है। देखो क्या मस्त जगह है, बैठने का बहुत सही जगह है। देख रहे हो भाई, मैं ऐसी जैसी जगह लेके आता हूँ आप लोगों को जो अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन मस्त है, मस्त जगह है। मतलब नैनीताल वाले रस्ते पे है मतलब मड हाउस कैफे। देखो इधर भी सीटिंग एरिया, आई थिंक यहाँ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करा सकते हो तुम। और ये देखो यहाँ से पूरा सामने का वो प्लेन एरिया भी दिख रहा है, देखो पूरा पहाड़ का व्यू है सामने, वो ब्लॉट का एरिया है, ब्लॉट वाला ना। अभी तो वहाँ स्विमिंग पूल भी स्टार्ट होने वाला होगा कुछ टाइम बाद। हाँ, स्विमिंग पूल वगैरह चलता है, वहाँ स्विमिंग पूल में लेके जाऊंगा आपको अगली बार में। देखो जब मतलब गर्मी होगा, अभी से नहीं, नेक्स्ट मंथ जब स्विमिंग पूल का सीजन चलेगा। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे पहले दो कॉफी मंगाई, पहले हम कॉफी पीते हैं, कॉफी पी के दिमाग खुलेगा, जब दिमाग खुलेगा फिर हम कुछ खाने का मंगाएंगे। ओहो कुछ खतरनाक कॉफी आ गई भाई, इन्हें तो पी भी दी ये। दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा टास्क पूरा हो गया है, जो कि था हल्द्वानी से ऊपर नैनीताल वाले रास्ते में पहाड़ों में आके चाय पीने का। चाय तो मैंने नहीं पी, मैंने पी कॉफी, और कॉफी के साथ हमने कुछ वेजीज फ्राइज, मतलब जो होते हैं वेज को फ्राई व्राई करके ग्रिल व्रिल करके जैसे आपने देखा वो खाया। तो वीकेंड पर ये होता है भाई, इसलिए वीकेंड पर लोग थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं, थोड़ा सा मतलब शांति होती है, पीस एरिया कह सकते हो उसको, शहर से थोड़ा सा दूर। तो अपना टास्क हो चुका कंप्लीट, अब चलते हैं वापस अपने घर को। फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, और मेरे घर पे जब आया तो मुझे यहाँ पे गिटार की कुछ आवाज सुनाई दी, और मैं अंदर पहुंचते यहाँ पे गिटार साइड में पड़ा था, और गिटार बजाने वाला, चल बजा, चल भाई बजाना शुरू कर दे, बैकग्राउंड म्यूजिक दूं क्या तुम्हें? हाँ कुछ दे चल, फिर लोग इन लोगों के लिए एक सब ट्रिप अनाउंस करने वाला हूँ मैं। कम ऑन, ओ माय गॉड, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा तेरा इसमें? इन्वेंटेड भाई, इन्वेंटेड बाय गॉड्स। ये ओफो, अबे यार दिखता अच्छा, वैसे बेटे कॉपीराइट आ जाएगा इसमें। देख अपनी ऑडियंस में लड़कियां तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं इसको सुनाने का। कैसी बात कर रहा कैसी बात कर रहा मैं जो ट्रिप जा रहा हूँ वहाँ पे इनवाइट मेरे उन दो किया हुआ है। मेरे साथ प्रशांत भाई भी आ रहे हैं, ऐसे बोल रहा है भाई। हाँ तो मैं बता रहा था कि मेरा जैसे आज है सैटरडे, तो मैं कल संडे कल भी मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा, दिन से मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितने अपने उत्तराखंड पहाड़ में मतलब रहने वाले जितने बोले तो पिथौरागढ़ वाले जितने लोग हैं, आप लोग अगर आप वहाँ मेरे से मिलना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ भी भाई मैं मतलब होता है ना कि हर किसी को जो इस सेक्टर में काम कर रहा हो, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हो, तो मैं भी जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहा था तो मैं मतलब उस फेज में गया होता लॉस वाले फेज में, तो मेरे को भी मतलब ये होता था कि यार कोई एक ट्रेडर जिसको मैं देख रहा हूँ मिल जाए, तो कुछ मैं पूछ लूँ, कुछ डिस्कस कर, कुछ मेरे को ऐसा कुछ चीज़ें पता चल जाए जो मुझे पता ना हो, है ना। ऐसा चीज़ होता है जैसे कुछ चीज़ आपको नहीं पता होंगी, मेरे को इस इंडस्ट्री में रह के पता चली है, तो हम एक हेल्दी डिस्कशन वहाँ पर कर सकते हैं। तो जितने अपने पिथौरागढ़ के ट्रेडर वेडर जो फाइने ये ट्रेडिंग सेक्टर में घुसे हुए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते कर रहे हैं, तो या कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ये बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कलर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो तो इन बाइनरी कलर ट्रेडिंग की भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, बता सकता हूं मतलब, तब आपको आपके हो सकता है इसमें आंखें खुल जाएं कि जो स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर आप ट्रेड करते हो, इक्विटी में करते हो, किसमें भी करते हो, तो आप हम एक वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के अंदर मैं एक ट्रिप अपना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उधर हिल एरिया को एक्सप्लोर करना है। सो आप लोग जो भी अगर यहाँ पे पिथौरागढ़ से है, जैसा भी है, जहाँ पे भी रहता है, मैं वहाँ पे अपनी स्टोरीज पे वो लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, ऑन प्रेजेंट लोकेशन रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी अपनी बता दी, जितने लोग हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी के, बाकी अपने पहाड़ी भाई बहन जो भी हैं, तो वहाँ पे आके हम लोग एक मिल सकते हैं, मतलब ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मली ऐसा नॉर्मल कैजुअल मीट हो सकता है, और वहाँ पर कुछ हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, उसका मैं ब्लॉग वगैरह भी बना लूँगा। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई आए नहीं, कब से हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो मेरे साथ शायद प्रशांत भाई जाएं कल एक ट्रिप, मैं एक साथ होना जरूरी, अकेले मैं निकल जाता हूँ, तो मम्मी मेरे से हमेशा कहती है तू अकेले मत जाएगा, अकेले कहीं मत जाएगा, तो उनका कहना भी सही है, तो मैंने कहा चलो प्रशांत भाई हैं तो उनको भी चलते हैं, वो काफ़ी टाइम से वो भी नहीं गए हैं। बाकी आज का
दिन तो अपना इसी तरह बोरिंग, और चाय पीने के लिए मैं प्लान किया था, चाय पी के भी आ गया। वहाँ की वीकेंड में आपको पता है ट्रेड वेड कुछ होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, जिंदगी में जीना है तो, मतलब इस लाइफ में जीना है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के लाइफ तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, अनदर ब्लॉग में, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, जो जो मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग होगा कल संडे का, तो उस दिन मैं ट्रिप प्लान कर, मतलब ट्रैवल कर जाऊंगा, तो आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा रास्ता बढ़िया करके, मजा आएगा, मतलब मौज ही आ जाएगी तुम्हारे। उस लोगों से ही मिलूंगा, कोई प्रशांत भागी भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, वो एक्सप्लोर कराएंगे हमें पिथौरा गढ़ वाला एरिया। कि मैं अपने कुछ खास लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ उधर जाके, तो आप लोग रेडी हो जाओ। बाकी पिथौरा गढ़ वाले भाई बहन जितने लोग, उनके साथ वीडियो शेयर कर दो, क्या पता वहाँ पर कुछ अपने पहाड़ी वाला जो होता है ना, वो एक अपनापन अलग ही होता है, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कशन में हो सकता है उनको कुछ हेल्प हो जाए, हो सकता है उनसे कुछ मुझे सीखने को मिल जाए। तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्यों ना मिल लें अपने भाई बहनों से, पहाड़ी ट्रेडर से, क्योंकि मैं जैसे अभी जोशीमठ उधर गया था, तो भाई वहाँ पर मेरे को मिले थे, इतने लोग मिले, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ पर भी भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं पहाड़ के अंदर लोग। जब मिले, जब मुझे डिस्कशन मेरे साथ हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि यार हाँ, कहीं ना कहीं अब उनने एक जो भी मिला था बोला था भाई हम आपको देखते हैं, आपसे जो यूट्यूब पर आप बताते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ यार हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी की लाइफ में हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल लें, तो उससे अच्छा लगता है। इसलिए मिलोगे तो और मज़ा आएगा। जितने भी पिथौरागढ़ वाले लोग हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दो, जाते हैं वहाँ ट्रैवल भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे, मजा भी आएगा, अपना अपना पहाड़ी वाला फील भी आ जाएगा। सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ अनदर व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।